कासिम की हकीकत कुई के सबके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे अब निमी के घर वाले कैसे चुप बैठ सकते थे। निमी की माँ कहती है कि इस कासिम को पुलिस के हवाले कर दो, इसने मेरी बेटी को पूरी तरह से पागल बना दिया है, इसकी वजह से आज मेरी बेटी इस हालत तक पहुँच चुकी है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस कासिम की वजह से हुआ है। अब जिसके नतीजे में कासिम जो है और निम्मी से कहता है कि अपनी माँ को मना करो कि ये सब कुछ ना करे। निम्मी कहती है कासिम तुमने तो जो कुछ मेरे साथ करना था वो कर दिया, अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। चूंकि मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है और अब तुम्हारी बारी है सजा लेने की, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हारे और मेरे दरमियान में कुछ भी बाकी अब नहीं रहा।